फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो बनाने लगी हूँ बेबी बैग, उसके लिए वही सेम मटेरियल मुझे चाहिए जो मैंने अभी बेबी कैप बनाई थी। लेकिन ये मेरा पैटर्न जो है ग्रैनी रेक्टेंगुलर में बनेगा, ग्रैनी स्क्वायर की बजाय सेम चीप प्रोसीजर होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस ये स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा। आपने स्टार्ट में अपनी पिक्चर्स भी देखी हैं। इसके लिए मटेरियल वही मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने कैप में यूज़ किया था। बस फ़र्क इतना है कि ये मैं डबल साइडेड हुक यूज़ कर रही हूँ, एक है 3 नंबर और एक है 5 नंबर। 3 नंबर से मैं अपनी बेस बनाऊंगी और 5 नंबर से सारा बाकी काम करूंगी। इसके अलावा मुझे इसके साथ मुझे कैनवस चाहिए, प्लास्टिक कैनवस जो होता है, जो मैं इंसर्ट करूंगी अपने बैग के अंदर ड्यूरिंग क्रोशे ही करते हुए। तो आगे जाके आपको उसकी साइज डिटेल पता चल जाएगी कितने साइज़ का आपको चाहिए प्लास्टिक कैनवस। तो चलें फिर लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी बेस बनानी है। बेस बनाने के लिए आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने बनाया था रिंग बैग पे मैंने इसी तरह सेम तरीके से बेस बनाया था। आपने बस उसको फॉलो करना है अगर आपने जानना है कि किस तरह से बनाया है। बेसिकली ये वाला जो है मैंने 4x12 का बनाया है, यानी कि विड्थ इसकी 4 इंचेस है और लंबाई इसकी 12 इंचेस है। तो मैंने 4x12 का ये बेस बनाया है, लेकिन इस बेस के बाद मैंने इसके ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं अलग से 4 बना के कॉर्नर्स उसके बाद अटैच करूँगी। जैसे कि आपने स्टार्टअप में मेरी पिक्चर्स भी देखी हैं और वीडियोस भी देखी होगी। उससे पहले हम बेस बना के इसको साइड पे कर देंगे। अब हम लोगों ने इसका जो 4 कॉर्नर्स हैं उसका मैंने बताना आपको। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला कॉर्नर बनाएंगे, जो कि मेरा 10x12 इंच का रेक्टेंगल है बेसिकली, और ये हम सबसे पहले बनाएंगे। और ये मैंने ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न को, हम लोग ग्रैनी रेक्टेंगुलर पैटर्न लोग उसको फॉलो करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने ये कैप बनाई थी उसी पैटर्न पे बना हुआ है, उसी तरह के उस पर, लेकिन ये ग्रैनी स्क्वायर नहीं, ग्रैनी रेक्टेंगुलर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल पर बना हुआ है। तो सबसे चौड़ा हमारा 10x12 का रेक्टेंगल होगा, और उसके बाद ये हमारी साइड्स होंगी। इस साइज़ की हमारी साइड्स बनेंगी 4x10 की, यानी कि चौड़ाई हमारी 4 होगी और लंबाई हमारी 10 होगी। तो हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे इसके साथ। तो मैंने एक दोनों साइड्स आपको बना के दिखा दी हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह से लुक देगा। ये भी रेक्टेंगल ग्रैनी रेक्टेंगुलर पैटर्न पे बना हुआ है। तो हम बस अब इस पैटर्न को बनाएंगे, ग्रैनी रेक्टेंगुलर को। आपको सेम ही पैटर्न बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है लंबाई का। और बैग भी मैं आपको एक की बनाना सिखाऊंगी, दूसरे की भी सेम बनेगी। सेम जितनी आप स्टिचेस इसकी बनेंगी उतना ही बैग की भी स्टिचेस बनेंगी। मैं आपको आगे जाके बता दूंगी किस तरह से बनाना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो ग्रैनी रेक्टेंगुलर पैटर्न स्टार्ट करने के लिए, हम जैसे ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए मैजिक रिंग में बनाते थे, हम इसको मैजिक रिंग पर नहीं बनाते, हम इसको चेन से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्लिप नॉट बना लेंगे, और हम अब लेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री से हम बनाएंगे। ये मैं सबसे बड़ा वाला जो मेरा रेक्टेंगल था उसका बनाने लगी हूँ। तो मल्टीपल ऑफ थ्री से मैं 12 चेन्स ले रही हूँ। मैंने 12 चेन्स ले ली हैं। अब यार्न ओवर करके अपने हुक से 4th चेन पे 1, 2, 3 फोर्थ चेन पे मैं 2 डबल क्रोशे बना लूँगी। Chain 3 1, 2, 3 यार्न ओवर किया। अब उसके साथ वाली चेन में 3 डबल क्रोशे। फिर Chain 1। अब हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस लीव करेंगे, 1, 2, और 3rd स्टिच पे फिर से
थ्री डबल क्रोशे। फिर चेन वन, फिर टू लीफ की। अब मेरे पास टू फोर्थ चेन्स रह गई हुई हैं, दो लीव करके सेकेंड लास्ट पे थ्री डबल क्रोशे। चेन थ्री, वन टू थ्री, और मेरी लास्ट जो चेन है उस पे थ्री डबल क्रोशे। फिर चेन थ्री, वन टू थ्री। अब हम लोगों ने वापस आना है, जो हमारी नीचे से चेन्स बन रही थी, नीचे की जो हमारा लीव हो रहा था उस पर हमने बनाना है। तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल बन जाएगा। यार्न ओवर किया, इसको स्किप करके जो हमारा पहली हमारी ये बनी हुई है सेकंड लास्ट पे, उस पर हम थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर स्टिच हो जाएगी, जो हमेशा हमारी एक ग्रैनी स्क्वायर में भी होती है, कॉर्नर स्टिच। चेन वन, डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर थ्री डबल क्रोशे। याद आएगा नेक्स्ट स्टिच जो हमने ऊपर बनाई है उसके नीचे वाली पे। फिर चेन वन, यार्न ओवर किया, जो मेरी लास्ट है स्टिच ये वाली, इसमें मैं वही थ्री डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाऊंगी। थ्री चेन और स्लिप स्टिच कर दूंगी, ये मेरे जो मेरी स्टार्टिंग चेन थी इस पे। और ये मेरा ग्रैनी रेक्टेंगल का पहला राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड टू के लिए जैसे मैं हमेशा करती हूँ, चेन थ्री और यही बैक स्पेस पे मैं दो डबल क्रोशे बना लूँगी। चेन वन, नेक्स्ट थ्री चेन स्पेस पे थ्री डबल क्रोशे, और ये कॉर्नर स्टिच है क्योंकि, तो इस पे थ्री चेन और सेम स्टिच में फिर से थ्री डबल क्रोशे। फिर चेन वन, नेक्स्ट स्पेस पे थ्री डबल क्रोशे, चेन वन, और इसी तरह करते जाएंगे हम पूरे राउंड पे। चेन वन, ये हमारी थ्री चेन स्पेस आ गई। ये हमेशा हमारा कॉर्नर रहेगा और कॉर्नर पे हमेशा हम लोग थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे हर कॉर्नर पे हमेशा। थ्री चेन और सेम स्पेस पे थ्री डबल क्रोशे।
फिर चेन वन, नेक्स्ट थ्री चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। चेन वन, इसी को हम लोग कंप्लीट करके यहाँ तक आते हैं। मैंने आखिरी बना लिया, उसके बाद 3 चेन और स्लिप स्टिच करना है मैंने अपनी थर्ड चेन पे। ये थर्ड चेन है, देखिए मैं यहाँ पे अपना कलर चेंज करूँगी और मैं इस वक्त वाइट कलर यूज़ करूँगी। वाइट कलर यूज़ करने के लिए मैं स्लिप नॉट बना लूँगी वाइट पे और स्लिप स्टिच कर दूँगी इसमें से। इसको टाइट कर लें और चाहें तो इसको थोड़ा सा होल्ड ऑफ करने के लिए बाइंड ऑफ कर दें ताकि ये निकले नहीं। अब हमने वाइट से बनाने हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ग्रैनी स्क्वायर इन अ सर्कल बनाना सिखाया था, उसी तरह ये ग्रैनी स्क्वायर रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है या ग्रैनी रेक्टेंगुलर पैटर्न भी कहलाया जाता है। और ये सेम ही उस पर बनता है, बस आपने अब कलर्स अगर चेंज करने हैं तो कलर चेंज करें, वरना आप इसी को बनाना चाहते हैं जिस तरह से भी आप हर सिंगल क्रोशे की हर सिंगल स्पेस के अंदर एक एक बनाएंगे और जब भी कॉर्नर पर आएंगे तो ये जितने कॉर्नर हैं हमेशा 4 कॉर्नर ही होंगे, तो हर कॉर्नर पे आपने 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाना है। और इसी को हम बनाते हुए जाएंगे जब तक कि हमारा साइज़ ये जो है मेरा, मैंने इसका बनाया हुआ है 10x12, जब तक 10x12 नहीं हो जाता हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इसको कंप्लीट करें उसके बाद फिर मैं आपको इसकी बैग बनाना सिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये प्लास्टिक कैनवासेस के अंदर इंसर्ट किया था। ये प्लास्टिक कैनवास की वजह से इतना स्टिफ हुआ हुआ है। फिर कंप्लीट करते हैं ये वाला और उसके बाद फिर मिलते हैं। और ये मैंने बना लिया है, ये मेरा ऑलमोस्ट 10x12 होने वाला है। मैं अपना लास्ट रो बनाऊँगी, लास्ट रो मेरा मैं वाइट का ही ग्रैनी नहीं बनाऊँगी, मैं इसको डबल क्रोशे की बनाऊंगी स्टिच। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाया है जहाँ से मैं एंड करती हूँ हमेशा वहाँ से, और उसके बाद यार्न ओवर करके मैं अपनी नेक्स्ट स्टिच पे, यानी कि मैं इसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है ये वाली, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। यानी मैंने अब हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है। और हर चेन स्पेस पे एक डबल क्रोशे, बस इसी तरह बनाते जाएंगे हर स्टिच पे, यानी कि ये 3 जो डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं उस पर एक एक डबल क्रोशे। जब चेन स्पेस आएगी तो उसमें एक डबल क्रोशे, इस तरह बनाते हुए जाएं यहाँ कॉर्नर तक। मैं अपना लास्ट डबल क्रोशे बना लूँगी। अब ये मैं 3 चेन स्पेस पे आ गई हूँ, 3 चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। और फिर वही हमारी देखिए डबल क्रोशे की स्टिच स्टार्ट होगी, तो हमने वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। अगर 3 डबल क्रोशे की क्लस्टर है तो उस पर एक एक स्टिच बनानी है, और अगर 1 चेन स्पेस है तो उसमें एक डबल क्रोशे बनाना है। इसी को रिपीट करते जाएंगे हम लोग जब 4 कॉर्नर्स हमारे पूरे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आकर 3 डबल क्रोशे बनाकर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से ये कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको इसका बैग बनाना सिखाऊंगी, मैंने ये बैग कैसे बनाया है, और फिर मैं अटैच करना बताऊंगी कि मैंने अटैच किस तरह किया है इसको। और ये मेरा कंप्लीट हो गया है, इसका बैग बनाऊंगी। और बैग बनाने के लिए पहले हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाया हुआ है उसमें से एक यहाँ से काउंट करके बाकी हम लोग इस तरह काउंट करेंगे, पूरा काउंट करके यहाँ तक आएंगे दूसरी तरफ और उसी तरह एक डबल क्रोशे तक।
बस हम लोग 3 डबल क्रोशे में से 1 डबल क्रोशे लेंगे। जितनी स्टिचेस आपकी बनती हैं टोटल, आपने उतनी स्टिचेस जो हैं उस हिसाब से चेन कर लेनी है, आपने उतनी चेन करेंगे। मेरी इसमें 53 स्टिचेस हैं, तो मैं अपनी 53 + 2 चेन्स लूँगी। अब हम चेन्स बना लेते हैं। मैंने चेन्स बना ली हैं मेरी टोटल, क्योंकि 53 स्टिचेस थी तो मैंने 53 स्टिचेस प्लस 2 यानी कि 55 स्टिचेस बना लिया। अब मैं यार्न ओवर करके अपने हुक से 4th चेन में डबल क्रोशे बनाऊंगी और इसी तरह डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी हर चेन पे। एंड पे आ गई हूँ और ये मेरी 53 स्टिचेस हो गई हैं। राउंड 2 और इसके बाद का हर राउंड सेम ही रहेगा, चेन 2 टर्न करने की इसको कुछ नहीं काउंट करते। पहली स्टिच पे डबल क्रोशे और हर स्टिच पे हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे एक एक, और इसी को राउंड को हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी लेंथ हमारे फ्रंट पैनल के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि 10 इंच नहीं हो जाती, क्योंकि ये हमने देखे इसके बराबर बना लिया है, ये मेरे इसके बराबर आ गया है। इसी तरह मैंने इसको अब लेंथ देनी है यानी कि 10 इंच कंप्लीट करने, तो ये 10 इंच हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसको ज्वाइन करना बताऊंगी और किस तरह से हम इसमें इंसर्ट करेंगे अपना प्लास्टिक कैनवास। आप लोग चाहें तो इसके साथ आप जैसे एक नॉर्मली हम बैग बनाते हैं कि हम कपड़े का मटेरियल लगाते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वे हो जाएगा कि आपका इसके अंदर ही प्लास्टिक कैनवास आपके इसके थ्रू चला जाएगा। बट अगर आप नहीं इतना मोटा बनाना चाहते हैं तो आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो कपड़ा आप लगा सकते हैं प्लास्टिक कैनवस के साथ। तो अब आप इसको कंप्लीट करें, फिर मैं आपको इसको ज्वाइन करने का तरीका बताऊंगी। मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना 10 by 12 की लेंथ। अब इसको ज्वाइन करने का तरीका यह है कि पहले तो आप जो प्लास्टिक कैनवस है सेम लेंथ का यानी कि 10 by 12 का काट लें। ये देखें बिल्कुल सेम इसकी लेंथ पर आ रहा है 10 by 12। उसके बाद हम इसको पहले ज्वाइन करेंगे स्टिचेस को, मैं आपको भी बताती हूँ, और फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे प्लास्टिक कैनवस इसके अंदर। तो आपको अलग से एक बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि इस तरह से आपने ये रख लिया, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक कोई भी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टिच पे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैंने चेन वन कर लिया है। अब मैंने क्योंकि यहाँ तक काउंट किया हुआ था तो मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी अपना हुक और स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दूँगी। अब उसके बाद सेम इसी तरह इस स्टिच में से इंसर्ट किया और हमने सेम स्टिच पे यानी कि जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था उसी में से इंसर्ट करके एक बार निकालना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से मैंने इसी स्टिच में से इंसर्ट किया और ये देखिए मैंने एक स्टिच बना ली है ये वाली, इसके नेक्स्ट स्टिच पे जो मेरी 3 चेन स्पेस की सेकंड स्टिच है उस पे से मैंने निकाल लिया। फिर अब नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे हम इसकी, ये देखिए नेक्स्ट रो है और इस तरह से नेक्स्ट स्टिच उठा लेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हमने इसी तरह ज्वाइन करते जाना है, यहाँ से एक स्टिच उठानी है और हमने यहाँ से एक स्टिच उठानी है। यही करके अगर आसानी चाहिए तो आसानी का तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी स्टिच मार्क लगा लें और स्टिचेस ये काउंट कर लें कि यहाँ पे स्टिचेस कितनी है, उसी हिसाब से इनको इस पर डिवाइड कर लें। इसको हम कंप्लीट करेंगे, ये पूरा राउंड यहाँ से इसी तरह लेते हुए जाएंगे, पूरा करके हम लोग ये दूसरी तरफ आएंगे, फिर मैं आपको इसमें इंसर्ट करके अपना प्लास्टिक कैनवास और क्लोज करना बताऊंगी। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर
ये मैंने एक साइड छोड़ी हुई है अभी तक ओपन, इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगी अपना, ये आराम से चला जाएगा इसके अंदर। एक मिनट में, ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसको सू इन कर देंगे, यहाँ से भी इसके भी मुंह को बंद कर देंगे, ये खुद ही अपने जगह को एडजस्ट करता जाएगा। जब हम लोग इस तरह से पकड़ के सू इन करते जाएंगे, इसको सू इन करें, कंप्लीट करें, फिर इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये देखें मैंने सारा सू इन कर दिया था ऊपर से भी। अब मैं इसका ये पतला वाला पैनल बनाऊंगी जो इसकी साइड पे इस तरह से लगेगा। इसको बनाने के भी सेम तरीका ही है जिस तरह से हमने इसको बनाया है। इस पर मैं 24 चेन्स लूँगी और अपने हुक से फोर्थ चेन पे मैं इंसर्ट करके वही सेम पैटर्न बनाऊंगी जैसे ये बना हुआ है, लेकिन मैंने सिंगल रोज़ बनाई है क्योंकि ये पतला है, तो मैंने इसके डबल रोज़ की बजाय सिंगल रोज़ बनाई हैं। तो ये आप इसको भी कंप्लीट करें जैसे ये मैंने कंप्लीट किया है, फिर मैं आपको इसको अटैच करना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ज्वाइन कर लिए हैं दो पार्ट्स। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इनको ज्वाइन किया है और एक एक पैनल करती जा रही हूँ मैं आपके सामने। अब एक पैनल ज्वाइन करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये देखें। यहाँ से स्टिच उठानी और यहाँ से स्टिच उठानी, क्योंकि दोनों बराबर हैं बने हुए एक ही हाइट के, तो स्टिचेस भी सेम हैं। कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, अगर ऊपर नीचे होती हैं तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। इसी तरह करते जाएंगे हम अटैच, और ये मेरी ये देखें ऊपर की स्टिच और नीचे की स्टिच ज्वाइन कर लेंगे हम। इसी को इसी तरह ज्वाइन करते जाना है हमने, हर पैनल को हमने ऐसे ही ज्वाइन करना है। और हर पैनल के एंड पे जाकर जब मैं ये पैनल पूरा ज्वाइन कर लूँगी, तो अब इसके साथ क्योंकि मेरा ये नेक्स्ट पैनल ये लगना है, तो नीचे ज्वाइन करने से पहले मैं इसको ज्वाइन करूँगी, उसके बाद मैं नीचे ज्वाइन करूँगी ताकि ये अटैच हो जाए। तो ये मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, अटैच हो गया। ये देखें मैंने सारे पैनल ज्वाइन कर लिए थे अपने। आपने स्टार्टअप की पिक्चर में भी देखा होगा कि इसका कैसा लुक आ रहा है। मैं ये जिप लगाई थी, अंदर से इस तरह से बना लिया है। ये मैंने अलग से पॉकेट बना के ज्वाइन किया है और ये बेबी बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैंने हैंडल्स बनाए थे। बाकी कुछ भी आपको कोई सवाल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें, मैं जवाब दूंगी आपको इसके बारे में। बहुत आसान है, ये बेबी बैग रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना स्टिफ है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक कैनवस डला हुआ है और इसके अंदर काफ़ी जगह है आराम से। बच्चों का पैम्पर और बच्चे के दूध की स्पेस भी मैंने बनाई हुई है, तो वो आराम से आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।